अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख वकास। पिछले कोई 3-4 दिन से मुसलसल मैं कराची बहरिया टाउन के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ की यार एक चीज़ बड़ी पसंद आई है मुझे, इधर मौसम गर्म नहीं होता। अगर आप यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर अगर आप कराची चले जाए ना तो गर्मी चुभती है वहाँ की, लेकिन कराची बहरिया टाउन में मोस्टली ठंडी हवा चलती है और बड़ी तेज़ चलती है। तो मैं अभी ऊपर बैठा हुआ था दफ्तर में दोस्त के पास, तो वहाँ क्लाइंट्स बैठे हुए थे, तो मैंने कहा नीचे जा के वीडियो बनाते हैं, मौसम सही होगा। वो वाकई नीचे आए तो मौसम बड़ा प्यारा है। ये देखें हर तरफ, ये आपको दरख्त जनाब फुल मौज मस्ती में आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, एक तो यहाँ का माहौल ही इन्वायरमेंट ही बड़ा प्यारा और ऊपर से मौसम बड़ा प्यारा होता है यहाँ पर ना। तो अगर कोई कराची बहरिया या इधर का कोई आपने विजिट किया तो आप भी ज़रा बताएं कि कराची बहरिया का मौसम कैसा होता है। ये देखिए क्या ठंडी हवा चल रही होती है। अच्छा, ये पिछले मुसलसल 3-4 दिन से ये ऐसा ही है यहाँ पे ना, तो मतलब यहाँ पे ना ये चीज़ें नेचुरल हैं, अच्छी बात है। तो अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान में ये सारा ऐसा ही हो जाए। और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कुछ दोस्त जो हैं, बल्कि बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं जी हमारे हमसाये को NSER की पर्ची मिल गई है, हमें नहीं मिली है, हमारा तो एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर भी बंद है। तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि NSER प्रोग्राम की तरफ से जिनको पर्ची मिली और जिनको नहीं मिली है, वो 30 जून के बाद एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर खुल जाएंगे, तो आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, क्लियर। अब दूसरी बात यहाँ पे बताता चलूँ, मोस्टली यूट्यूबर बहुत लंबे लंबे झूठ बोलते हैं, लिहाजा वो मुझे 2-3 फैमिलीज़ की कॉल आई हैं कि वकास भाई आप तो कहते हैं कि बस पैसे जिनको एक बार मिलने थे मिल गए, दोबारा नहीं मिलेंगे, ओ फलाना यूट्यूबर को हमने सुना है, फलाने को हमने सुना है, वो कह रहा है जी अब आपको 13,000 रुपये मिलेगा, अब आपको 25,000 रुपये मिलेगा। ये सब ड्रामेबाजी है, फेक न्यूज़ है, कुछ भी नहीं है भाई। वन टाइम पैसे मिलने थे जिनको मिल गए, अब दोबारा किसी को नहीं मिलने वाले हैं। और फिलहाल मेरी जो नॉलेज है उसके मुताबिक सिर्फ यही वन टाइम पैसे हैं एहसास एमरजेंसी के, एहसास कफालत के, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, मेरी नाकस नॉलेज के मुताबिक ये सब कुछ एक है। और कोई यूट्यूबर बोलता है जी एहसास एमरजेंसी के अलहदा मिलेंगे, एहसास कफालत के अलहदा मिलेंगे, एहसास ज़बरदस्ती के अलहदा मिलेंगे, एहसास टावर के अलहदा मिलेंगे, सब के अलहदा मिलेंगे, भाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने पैसे इंक्रीज़ किए हैं, गवर्नमेंट ने अगर 266 अरब रुपये मख्तस भी किया ना, तो इन्होंने ना फैमिलीज़ खानदान एक्सटेंड किए हैं, तो वो पैसे वहाँ पर जाएंगे। अब 40 लाख ज़रा 12,000 करो ना, कितना जाके बनता है, ठीक है, अरबों रुपये तो ये बनते हैं ना। तो फैमिलीज़ एक्सटेंड हुई हैं, कोई प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं हुआ। अगर कोई और इस तरह का मज़ीद कोई आएगा तो इंशाल्लाह रबते में रहेंगे। बाकी कुछ प्रोग्राम हैं जिसमें सास राशन वगैरह इस तरह है, तो अगर आपके पास कोई अपडेट है तो मुझे बताएं। मेरे ख्याल में तो मेरे पास अपडेट सिर्फ यही है, सास एमरजेंसी की 12 आ रही है, एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है बहुत सारे लोग परेशान हैं कब खुलेंगे, तो ये भाई 30 जून के बाद खुलने जा रहे हैं। और NSER की पर्ची जो आपके पास है इसको अपने पास संभाल के रखिएगा, ठीक है, इस पर ही आपको पैसे मिलेंगे, क्लियर जी।